अभी आप उसको कंप्लेंट करोगे, अंदर डालोगे, कुछ दिन वो रहेगा, वापस आ जाएगा, तो उसके अंदर एक और ज़िद जागेगा कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे को अंदर करवाई, ऐसा करा, वैसा करा। लेकिन अगर आप उसको ना दीन के रास्ते पे चलाओगे या फिर एजुकेशन के रास्ते पे चलाओगे ना, वो अपने आप सारी चीज़ें जब वो देखेगा, सोचेगा, समझेगा, जानेगा, फिर उसको अपने आप रियलाइज़ होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलती की। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ में होंगे खैर खैरियत होंगे। तो कुछ दिनों से मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, मैं देख जरूर रही थी लेकिन मैं इसके ऊपर बोल नहीं पा रही थी। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मुझे लगा इस चीज़ के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। एचआर किचन, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, रिजवाना किचन के नाम से अभी चेंज हो चुका है। जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो, उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई है। मैं तो भाई देख के शॉक्ड हो गई हूँ कि एक इंसान, कोई भी इंसान हो, बीवी को इस तरीके से, बच्चा जन्मने का एक महीना भी नहीं हुआ, इस तरीके से, मतलब इतना गंदा तरीके से कोई कैसे हाथ उठा सकता है, और गंदा तरीके से छोटा हाथ कैसे उठा सकता है। मतलब कि मैं देख के शॉक्ड हो गई थी किस तरह उसके हस्बैंड ने, जो कि हारून कुरैशी उनके हस्बैंड का नाम है, उन्होंने उनको मारा। जो वीडियो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दिखाया है, मैं तो दंग रह गई भाई। और वो भी वैसा इंसान के जिनका सब कुछ बीवी करती हो, जिनका पहचान उनकी बीवी से बना है, जिनका नाम उनकी बीवी से बना है, आप यूँ कह सकते हो कि जिनका वजूद उसकी बीवी से है, जो अपनी बीवी का खा रहा है, अपनी बीवी का पहन रहा है, अपनी बीवी के घर में रह रहा है, अपनी बीवी के एहसानों के नीचे है, वो इंसान इस तरीके से हैवानियत पे उतर आता है। मैं तो लानत भेजती हूँ हारून भाई पे कि मतलब कि देखो, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो बीवी का नहीं खाते हैं लेकिन बीवी को एक लग्जरियस लाइफ देते हैं, बहुत अच्छा लाइफ देते हैं, फिर भी वो लोग बीवी को यूं करके नहीं रखते। मेरे हस्बैंड भी खुद कमाते हैं, ठीक है, जितना भी कमाते हैं वो खुद कमाते हैं, मैं भी उनको मदद कर देती हूँ जैसे मुझसे बन पड़ता है, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उनको मदद कर देती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि घर दोनों का है, रिश्ता दोनों का है, मेरे आँखों में कुछ चलेगा शायद, और बच्चे भी दोनों के हैं, तो ज़िम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति सिर्फ पैसा ला के दे और सिर्फ घर का काम करे। आजकल अगर पत्नियां बाहर जॉब करने की हिम्मत रखती है तो उसके पीछे मेन वजह ये होती है कि उनके हस्बैंड उनका सपोर्ट करते हैं, या फिर उनका हस्बैंड जो है वो उनको जो है ना वो परमिशन देते हैं करने की। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, और मैं भी बिना पर्दे के, बिना नकाब के एक्चुअली सोशल मीडिया में आती हूँ। तो मैं इसलिए आ पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिया है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करते, तभी जाके मैं आज 2 पैसा कमा लूँ। तो अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने 2 पैसे कमाने की परमिशन दी है तो वही पैसा मैं अपने हस्बैंड के हेल्प के लिए क्यों ना दूँ। बट जिस तरीके से इस इंसान ने बीवी का खा के, बीवी का पहन के, बीवी के घर में रह के बीवी के साथ ऐसे बदसलूकी की करी यार, वो बहुत गलत किया। और इसमें ना मैं ना रिजवाना बाजी की भी गलती मानूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, पति जब पहली बार मारता है ना तो गलती पति की होती है, लेकिन दूसरी बार अगर पत्नी मार खाए ना तो ये गलती पत्नी की होती है। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको विक्टिम बन के रहना है या फिर एक इंडिपेंडेंट वूमन बन के रहना है। इंडिपेंडेंट तो वो बन गई थी लेकिन कहीं ना कहीं वो विक्टिम बनने से खुद को रोक नहीं पाई प्यार और बच्चे के लिए। प्यार और बच्चे अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा हस्बैंड भी अगर मुझे ऐसे मारेगा, टॉर्चर करेगा, इतनी हैवानियत से मारेगा, तो मैं तो उनकी तरह करोड़पति नहीं हूँ। वो करोड़पति है कि लखपति मुझे नहीं मानता, उन्होंने खुद बोला अपनी लाइफ में कि मैं करोड़पति हूँ, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, जो भी है, बट मैं झाड़ू पोछा कटका कर लूँगी, यूट्यूब से जितना आएगा आएगा, लेकिन मैं ऐसे मर्द के साथ तो मैं कभी ना रहूं। क्योंकि हर इंसान का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, ये शीला बाई की तरह नहीं जो पहले जब पति नहीं था तो पब्लिक का सिंपैथी जो है गेन करने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट का गाना गा रही थी, बुड्ढे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर जैसे व्यूज़ डाउन होगा वही सेल्फ रेस्पेक्ट बेच के, व्यूज़ के लिए बेच दी उसने और बुड्ढे के साथ रहने लगी। मैं उस इंसान में से नहीं हूँ, और मुझे लगता है ना तो औरतों को उस कैटेगरी में रहना ही नहीं चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना नहीं रहना चाहिए।
जो इंसान रिश्ते में आपको इज्जत ही ना दे सकता है, जो इंसान आपकी कदर ही नहीं समझ रहा है कि आप उसके लिए कितना कर रहे हो, उस इंसान को आपके साथ रहने का कोई मतलब कि कोई हक नहीं बनता। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो कभी नहीं रहना चाहिए। दो पल का प्यार, दो पल का झगड़ा, वो भी ब्रूटली झगड़ा। वैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो मैं बोलती हूँ इंसान को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि मेंटली और फिजिकली जो हैरेसमेंट होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। भाई मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन अगर इफ इन केस हुआ भी, वैसा होगा भी नहीं वैसा, क्योंकि मेरा पति उस कैटेगरी में नहीं आता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है, भले ही गरीब है, लेकिन उनको उनका हद मालूम है। उनको मालूम है कि एक मर्द कैसा होता है। सिर्फ औरतों पे हाथ उठाने को मर्दानगी नहीं कहते। और मैं तो हारून भाई से यही कहूँगी, अगर आप इतनी मर्द थे, आपके अंदर इतनी मर्दानगी थी, तो वही मर्दानगी लाखों कमा के महीने में ला के बीवी के हाथ में देना था। बीवी को मार के मर्दानगी साबित नहीं करा जाता है जनाब। लाखों कमाओ उसी बॉडी से, जिस बॉडी से तुमने बॉडी को वो करके ना ताकत दिखा के तुमने अपनी बीवी को मारा है ना, उसी ताकत से अगर तुम कमा के, अरे बोरा कमा के, बोरा उठा के भी कमाते ना, और वही कमाई ला के बीवी को देते ना, तो तुम सच्चा मर्द कहलाते। और रिजवाना बाजी के तो सपोर्ट में पूरा गोल्डन ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं। और रिजवाना बाजी ने तो अभी इसके खिलाफ अगेंस्ट भी लिए, इसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन भी लिया है। तो मैं तो भाई, मैंने आज जाके पूरा वीडियो अच्छे से देखा, मतलब मैं ऐसे वीडियो का थंबनेल वगैरह देख रही थी, वो मेरे कानों तक आ रहे थे खबर ये सब वो, लेकिन मैंने आज अच्छे से घुस के देखा उसके चैनल पे कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने उनके हस्बैंड का लाइफ तो नहीं देखा, मैंने इतना सुना है अपने दोस्तों के मुँह से कि अपनी बीवी को ही वो गलत साबित कर रहा था अपनी लाइफ में। तो देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है हर चीज़ में ना, दोनों की बराबर की गलती नहीं होती है, बट कम ज़्यादा तो होती है। तुम अगर लाइफ में आके तुम अपनी बीवी की गलतियाँ तुम अगर गिना रहे हो, तो तुम अपनी गलती, सबसे पहले तुमको अपनी गलती का जो है ना वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग मुझे शायद ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, जो मेरे एकदम ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग सोशल मीडिया पे ये सब डालने का उसके हस्बैंड ने किया था, लाइफ में आके बोलने का, उसकी बीवी को गलत ठहराने का। फिर जब लोग उनको बोलने लगे, तब उनको अपने एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बोलना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता था, बीइंग ए फादर ऑफ टू डॉटर्स, मतलब कि दो बच्चों के बाप होने के नाते तुमको किसी की बेटी की इज्जत उछालने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम उसको सच्चे दिल से प्यार करते, भले ही तुम्हारे बीच में उसके विषय में लाग झगड़ा हुआ हो, कुटुंब कुटाई हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो, अगर तुम उसको सच्चा प्यार करते, तो मुझे नहीं लगता तुम लाइफ में आके उसको गलत ठहराते या गलत बोलते। ठीक है, इससे पता चलता है कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और तुम उसे पैसों के लिए प्यार करते थे कि सच्चे दिल से प्यार करते थे। सच्चे दिल से प्यार करने का मतलब होता है ना न्यौछावर करके देना, किसी को जलील करना नहीं। और अगर तुम उसको सोशल मीडिया में जलील करो, उसका खा के, उसका पहन के, उसके साथ रह के, उसका घर बसा के, उसके साथ बच्चे पैदा करके, तो मुझे लगता नहीं कि तुम मर्द हो भाई। और रही बात तुम्हारी तीन तीन बेटियों की, तो मैं इतना ही दुआ करूँगी कि जो तुमने गलत किया किसी की बेटी के साथ, बोलते ना कर्मा, वो कर्मा घूम के तुम्हारी बेटियों के साथ बिल्कुल भी ना आए। बेटी के बाप हो तुम, तुम्हारी बेटियाँ बड़ी हो रही है, तुमको ये सोचना चाहिए था कल को जाके मेरी बेटियाँ ये वीडियोज़ देखेंगी तो उनके ऊपर क्या असर होगा। और दो बेटियों को लेके तुम जब अपनी बीवी से अलग हुए, तुमको ये सोचना चाहिए था कि बेटियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब बड़ी होती है तो माँ की होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बेटियाँ सिर्फ माँ से शेयर कर पाती है, और तुमने तो कई सारे शादियाँ किया है ऐसे सुनने में आया है। खैर, तुमने किया है या नहीं किया ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम 100 करो 10 करो, वो मेरा नन ऑफ माई बिजनेस। बस बट हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तुम जैसे मर्दों को देख के हमारे मर्द भी बिगड़ेंगे, हमारे मर्द भी कल को शायद हमारे ऊपर हाथ उठाए। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे मर्दों को तो समाज से बाहर करना चाहिए। और रहा सवाल तुम्हारे बच्चियों का, तो तुम बाप होके ही तुमने उनके फ्यूचर का नहीं सोचा, उनके माँ के ऊपर ऐसे टॉर्चर करे, अत्याचार करे, तो तुमको ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास दो बेटियाँ हैं, उनको लेके मैं कहाँ जाऊँगा, कौन पालेगा, क्या है क्या नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम इतने पैसे वाले भी नहीं हो, तुम्हारा जो भी वजूद है तुम्हारी बीवी से, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए था। और मैं तो भाई, मैं बोलूँगी कि रिजवाना बाजी, जो तुमने सहा ना, तुमको नहीं सहना चाहिए था, तुमको इसके लिए ना पहले ही तुमको समझ जाना चाहिए था कि जो इंसान शादी से पहले तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है, तो वो शादी के बाद जब उसको टैग मिल जाता है, मालिकाना हक मिल जाता है, तो वो क्या ही कर सकता है। खैर, इंसान जो होता है ना प्यार में अंधा गूंगा बहरा भी हो जाता है, तो उस टाइम पर तुम गूंगी भी हो गई थी, बहरी भी हो गई थी, अंधी भी हो गई थी।
बट दिस इज द हाई टाइम रिजवाना बाजी, जो एक बार कर सकता है वो 100 बार कर सकता है, और ये तुम झेल चुकी हो। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बच्चों को देख के, देखो बच्चों का जो है वो तुम बच्चों को अपने पास ला सकती हो, इसके लिए जो है कानून है इंडिया में, कानून व्यवस्था है। बट जो तुमने डिसीजन लिया ना अलग होने का, वो बहुत सही डिसीजन लिया। अब सब बोलेंगे घर तुलवारी हो, ऐसा है वैसा है, कौन सा घर भाई। जिस घर में मियाँ अपनी बीवी की ना इज्जत कर रहा और ना उसकी केयर कर रहा, ना उसका परवाह कर रहा, बेटी हुई तो उसको लेके भी उनको ताना मारा जा रहा। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगी कि बेटी और बेटा होना ना, ये टोटली जो है ना ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने सुना होगा एक्स और वाई मिलते हैं तो बेटा पैदा होता है, एक्स एक्स मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। और औरतों में ना हमेशा एक्स ही रहता है, औरतों के जो एक्स होते हैं, आई गेस मुझे जहाँ तक पता है एक्स रहता है। ये मर्दों पे डिपेंड करता है, उसका जो है ना पुरुष बीज या जो भी बोलते हैं ना, वो वाई निकलता है कि एक्स निकलता है, ठीक है। ये मर्दों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पति का शायद पहली बार एक्स निकला तब मेरी बेटी हुई, दूसरी बार शायद वाई निकला तब मेरा बेटा पैदा हुआ। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है हस्बैंड के ऊपर, इसमें बीवी की कोई गलती नहीं होती है। तो एजुकेशन जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के लिए। ये कुछ कुछ विकृत मानसिक वाले रूप लोग होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का कोई नॉलेज नहीं होता है, जिनको ये नहीं पता होता कि बेटी कब पैदा होती है और बेटा कब पैदा होता है, उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल ना इंडिया में एक बहुत पुराना एक रीति रिवाज बन गया है लड़कियों को मारना, लड़कियों को ये करना। लड़की नहीं चाहते, लड़कियाँ नेमत होती है, अल्लाह जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना उसके घर की बेटी होती है। तो ये सारी चीज़ें समझो भाई, जितने भी मर्द हैं ना मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी कि बेटियाँ कोई अभिशाप नहीं होती है, बेटियाँ नेमत होती है। अल्लाह जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है उसको ही बेटी से नवाजता है, और बेटी होना कोई बद्दुआ नहीं होती। एक बेटा जो नहीं कर सकता वो बेटी करती है, और काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि बेटियाँ ही माँ बाप को संभालती है, बेटा तो शादी करके अलग हो जाता है। और बेटियों में वो ताकत रखती कि वो बाहर जॉब भी करे और अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के घर में सेवा भी करे। बेटा सिर्फ बाहर जॉब करने का ताकत रखता है, बहुत कम ऐसे बेटे होते हैं मैं ये डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो घर भी संभालता है, बुज़ुर्ग माँ बाप को संभालते हैं और बाहर जाके जॉब करता है। लेकिन बेटियाँ वो दोनों कर सकती है भाई, तो बेटियाँ कहीं से भी कम नहीं। उल्टा औरतों की जो, औरतों बोलो या फीमेल्स बोलो, जो लड़कियाँ ये बेटी औरतें होती है ना, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। उनमें सोचने समझने की और सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो लकी मानती हूँ कि मेरे घर में एक बेटी है, क्योंकि शायद मैं अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद थी या फिर मेरे शौहर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ही बेटी उनको दिया गया है। तो बेटियाँ होना कोई गुनाह नहीं है। जिसके साथ आप रह रहे हो वो भी एक बेटी है, और जिसके कोख से आप निकले हो वो भी एक बेटी है, और जिसको आप बहन मानते हो, आपकी आपा बाजी या छोटी बहन जो भी है, वो भी एक बेटी है। तो अगर आपके घर में बेटी होगी तो इसमें क्या बुरा हुआ, मुझे ये समझ नहीं आता। ये विकृत मानसिक रूप वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो होते हैं जिनके अंदर दीन की और एजुकेशन की, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको जो है ना नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको जो है ना कानून की नहीं, उनको नॉलेज की ज़रूरत है। मुझे लगता है उनको अगर सही से कोई समझाए बैठ के, ब्रेन वॉश की जगह अगर कहीं सही से उनको समझाया जाए ना, तो उन्होंने जो गलत काम किया ना अपनी बीवी के साथ, गलत बर्ताव किया, व्यवहार किया, उनको जब उस चीज़ का गिल्ट होगा, मतलब कि उनको गिल्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, पछतावा, हाँ पछतावा होगा, तो वो अंदर ही अंदर खुरत खुरत के वो उसका जो एक होता है ना गिल्ट होना, उस गिल्ट का जो तकलीफ़ होता है ना, उस तकलीफ ही उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाएगी। अभी आप उसको कंप्लेन करोगे, अंदर डालोगे, कुछ दिन वो रहेगा, वापस आ जाएगा, तो उसके अंदर एक और ज़िद जागेगा कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे को अंदर करवाई, ऐसा करा वैसा करा। लेकिन अगर आप उसको ना दीन के रास्ते पे चलाओगे या फिर एजुकेशन के रास्ते पे चलाओगे ना, वो अपने आप सारी चीज़ें जब वो देखेगा, सोचेगा, समझेगा, जानेगा, फिर उसको अपने आप रियलाइज़ होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलती की। और वो जो जब उसको रियलाइजेशन होगा ना, उसको गिल्ट होगा अंदर से कि भाई हाय मैंने ये चीज़ें गलत करी। तो जब ये चीज़ें होगी ना, तो वो अंदर ही अंदर खुद से ही टूट जाएगा,
और उसको वो सज़ा ना अंदर जब तुम करवाओगे ना उससे ज़्यादा इसका उसको उतना तकलीफ़ ज़्यादा होगी अंदर से टूटने का। समझ रहे, जब हमको किसी चीज़ का मलाल होता है कि हाय हमने ऐसा किया, तो उसका तकलीफ ना अगर आपको एक चाटा मारो उससे भी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि रिजवाना बाजी को उसको अंदर करवाने के बजाय अगर आप उसको मतलब कि दिनों की चीज़ों में अच्छे से दिनों की चीज़ों में अगर उलझा के रखो उसको, हर चीज़ का सही से अगर नॉलेज होने लगेगा ना तो वो इंसान सही हो जाएगा। बाकी तो सब अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि मैंने अपने रियल लाइफ में ये चीज़ किया है। मेरे लाइफ में भी ऐसे हाथ वाथ नहीं उठ रहे बाबा, एक ऐसा टाइम आया मुझे भी लगा था उसको अंदर करवा दूँ, बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला मुझे, लेकिन बहुत लोगों ने समझाया। उसमें से एक था नूर अपा, एक थी नूर अपा, उसने मुझे काफ़ी समझाया। तो उस टाइम भी मैंने सबर से काम लिया, सबर का घूट पिया, सारे तत्ता नहीं कहता नहीं है, ग्लास से पानी पी के सबर का घूट नहीं पिया, अंदर अंदर सबर का घूट पिया। तो अब जो वो उसको जब महसूस होता है ना उसने मेरे साथ क्या गलत किया है, तो अभी बराबर वो लाइन पे आ रहा है, तो वैसा होना चाहिए। चलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।